दोस्तों आप जैसे सोच रहे थे कि ये Redmi Note 7 Pro अगर आपको नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, मैं आपको एक मतलब कि प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ही सिर्फ Redmi Note 7 Pro क्यों नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी है जिनको कि अभी तक Redmi Note 7 Pro नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है उसके बारे में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो कि मेरे को पता चला जब मैं Redmi Note 7 Pro को थार सेल में खरीदने वाला था और मैं बहुत सारे फोन से ट्राई कर रहा था। मेरे दोस्त को भी बोल रहा था कि मतलब कि कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे उनको मतलब कि एक एक को मतलब कि मिल गया, एक एक को नहीं मिला। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं, क्यों आपको भी नहीं मिल रहा है ये ही Redmi Note 7 Pro। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि यहां पे जो बाय नाउ सिस्टम है फ्लिपकार्ट की अगर बात करते हैं, एमएस स्टोर को तो छोड़ लीजिए, उसमें आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो यहां पे फ्लिपकार्ट में अगर आप ट्राई करते हैं Redmi Note 7 Pro को, जिसका कि सेल होता है 12 बजे, लेकिन यहाँ पे जो थार्ड सेल था उसमें 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे होता था, तीन तीन टाइम हुआ था, तो उसको छोड़ दीजिए। फोर्थ सेल में तो आपको एक ही बार देखने को मिल जाएगा 12 बजे, जो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे 12 बजे इसका सेल स्टार्ट होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो फास्ट सेल हुआ था वो 11 मतलब कि 59 में इसका सेल स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर देखा था मतलब कि थार्ड सेल जो हुआ था, मैं भी ट्राई कर रहा था, मेरे दोस्त लोग जो है मैं उसको बोल रहा था कि ट्राई करने के लिए। तो वहां पे मैंने देखा कि एक चीज नोटिस किया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बाय नाउ ऑप्शन होता है, मतलब कि आपको बताया कि सेल स्टार्ट होने से पहले आपको कमिंग सून लिखता है और राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप रिफ्रेश करके फिर से आते हैं तो यहाँ पे आपको बाय नाउ का एक ऑप्शन मिलता है। तो वो जो बाय नाउ ऑप्शन है वो टाइम टू टाइम अलग अलग यूजर को अलग अलग टाइम पे मिल रहा था। मतलब कि मेरा एक दोस्त को मतलब कि 11:59.34 में मिला था, मेरे को मिला था 11:59.59 सेकंड्स में मिला था, मेरा और एक दोस्त को मिला था 12 बजे के बाद, मतलब कि 12:25 या फिर कुछ हुआ था। मतलब कि सोच सकते हैं कि जितने सारे लोग यहाँ पे सेल में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जल्दी बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बाद में बाय नाउ ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि नेट का ही प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि नेट थोड़ा पूरा नॉर्मल था, सबका स्पीड था नेट, यहाँ पे नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे जिसका पहले बाय नाउ आ गया था वो पहले बाय नाउ में क्लिक करके पहले बाय कर लिए, और जो जिन लोगों का बाद में आया उन लोगों ने बाद में क्लिक करके, अगर वो स्टॉक में रहा होगा तो उनको मिल गया, नहीं रहा होगा तो उनको नहीं मिला, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। थार्ड सेल मतलब चल रहा था वहां पर, ये चीज मैंने नोटिस किया था, उसके बाद मैं सोचा कि आपको ये चीज बता दूं, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसी फ्लैश सेल में। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me.